मेरा दिमाग जब देखो अनवांटेड विचारों से भरा रहता है, जिन थॉट्स को मैं सोचना नहीं चाहता हूँ अपने आप आते रहते हैं। कैसे इन विचारों से मैं छुटकारा अपने आप को दिलाऊं? किस तरीके से मैं उन थॉट को सोचूं जिन्हें मैं सोचना चाहता हूँ? क्यों ये विचार मेरे पीछे पड़े हुए हैं? आखिर मेरे दिमाग के अंदर ये विचार आते कहाँ से हैं? क्यों मेरा दिमाग उन विचारों को लेके नहीं आता जिन विचारों को मैं सोचना चाहता हूँ? नमस्कार, मैं पूनम शर्मा शांति वेलनेस सेंटर से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा मस्तिष्क काम करता है, किस तरीके से हमारा मस्तिष्क फंक्शन में आता है और हमसे वो काम करा देता है जो हम करना भी नहीं चाहते हैं। कैसे? आप सभी जानते हैं जो हमारा ये माइंड होता है, यानी कि जो हमारा दिमाग है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो एक दूसरे को अपना अलग अलग तरीके से मैसेंजर ट्रांसफ़र करते रहते हैं और कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे को ना अपने तरीके से ब्रेन में फंक्शनिंग वो डालते रहते हैं। आपने जो भी थॉट किया है उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो थॉट वहाँ पर जाके, यानी कि कहाँ पर जाके, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वहाँ पे जाके वो स्टोर होते हैं। स्टोर होने के बाद वो रिट्रीव होते हैं। जैसे हमें कोई थॉट अच्छा लगता है, हम उसको वापस से सोचना चाहते हैं, तो हम अपने ब्रेन में कमांड देंगे और वापस से वो सोच हमारे सामने रिट्रीव होके फंक्शन में आ जाती है। तो तभी तो कहते हैं ना कि यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार इन्हें तो बहुत पुरानी पुरानी बातें भी याद रहती हैं, और कुछ लोगों को ना अभी की जो रिसेंट कुछ चीज़ें घटित होती हैं उनके साथ वो भी वो चीज़ याद नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उन थॉट को सोचना ही नहीं चाहते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि यार इसकी लर्निंग फंक्शन बहुत अच्छा है, ये ना जो याद करता है बहुत ही अच्छे तरीके से याद करता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ना, कुछ लोगों को ना बुक के अंदर की एक एक चीज़ें याद होती हैं और वो इतना अच्छे से, उनकी जो याद करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करती है। तो ये सारा हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेस होता रहता है। इस सिस्टम को हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रोसेस करता है उन थॉट्स को, उन विचारों को जिन्हें हम खुद सोचना चाहते हैं, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस करके, यानी कि स्टोर करके रखते हैं। जिस तरीके से एक कंप्यूटर का काम होता है, उसी तरीके से एक जो हमारा ये मस्तिष्क है उसका काम होता है। अब जब मस्तिष्क के जो टाइप हैं जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के टाइप हैं उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमें हमेशा अलर्ट रखता है, अवेयर कराता है उन चीज़ों से जिन्हें हम खुद करना चाहते हैं। जैसे हमें कोई टास्क है या फिर हमारा कोई डेली का काम है, वो हमें पता है हमें कैसे करना है, तो हम उनको उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कभी भी अचानक से हमारे से वो काम करा देता है जो हम करना नहीं चाहते। सपोज़ आप बिल्कुल रास्ते में, जैसे आप ऑन रोड हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से आपके सामने एक बच्चा साइकिल लेके आ जाता है, तो आप एकदम से ब्रेक पर पैर रखेंगे और ब्रेक को कमांड दे देंगे, तो ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा ताकि वो रास्ता उस बच्चे के लिए क्लियर हो जाए और वो आसानी से रोड को क्लियर, मतलब कि क्रॉस कर ले। तो ये आपने नहीं किया, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपसे काम कराया है। तो जिसे हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमसे वो काम भी करा देता है जो हम करना नहीं चाहते हैं, अचानक से हम उस काम को फंक्शन में लेकर आ जाते हैं। लेकिन सुपर कॉन्शियस माइंड क्या होता है? सुपर कॉन्शियस माइंड हमारी साइकिक एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को कहते हुए कि यार इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, कुछ भी काम होने वाला होता है ना, उन लोगों को पहले अलर्ट एक उनका माइंड कमांड दे देता है कि कुछ आपके साथ ये काम होने वाला है, तो वो लोग ना पहले से अलर्ट रहते हैं कि समथिंग, कुछ ऐसा चीज है जो घटित होने वाली है, तो वो अलर्ट होके रहते हैं। तो ये जो सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, ये हमारी साइकिक एबिलिटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। हमें सुपर पावर भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सुपर पावर हमारे बॉडी में या फिर लेके आता है हमारे दिमाग के अंदर। तो बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे मस्तिष्क का अच्छे तरीके से काम करना। तो जब भी हम अपना कुछ अपने अनुसार अपने खुद के एक हाईनेस, यानी कि जो कहते हैं ना कि हायरनेस के अंदर हम काम करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो हमसे हमारे अकॉर्डिंग ही हमें फंक्शन में लेकर आता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो एक्ट होता है जिसे हम अचानक से, यानी कि सडनली वो चीज़ हम कर देते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। तो तभी तो कहते हैं ना कि यार सबकॉन्शियस माइंड कभी भी हमसे कुछ भी करा सकता है। सुपर कॉन्शियस माइंड हमारी साइकिक एबिलिटी के अनुसार हमसे वो काम कराता है या फिर हमें उन कामों से अलर्ट रखता है कि जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे लिए बुरे हैं।
तो बहुत ज़रूरी होता है एक ब्रेन का अच्छा फंक्शन करना और एक नॉर्मल व्यक्ति का नॉर्मली बिहेव करना। तो जब भी हम, आपने देखा होगा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हैं कि विजुलाइज कीजिए, क्रिएट कीजिए, सिचुएशन को क्रिएट कीजिए, और वो कमांड हमारे सीधा सुपर कॉन्शियस माइंड को कमांड पहुँचाती है कि हमें कुछ काम करना है जो अभी ज़रूरी है। उसी तरीके से जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो उस तरीके वहाँ पे वो साइलेंट हो जाता है, रिलैक्स मोड पे चले जाता है, क्योंकि हम अपनी हायरनेस को कमांड दे रहे हैं, हम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन करें तो कोशिश कीजिए अपने सुपर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दीजिए, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड में तो होते ही हैं। तो हमें आगे तक अपने और सुपर पावर्स को फील करना है कि हमारे अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है, कैसे हम ब्रीथ लेते हैं, कैसे हम फंक्शन में आते हैं, किस तरीके से हम और कामों को करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने मस्तिष्क को जानते हुए आपको भी अच्छा लगा होगा और कैसे हमें मेडिटेशन में किस माइंड पे ज़्यादा कमांड देना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो कोशिश कीजिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, जिससे कि आपका दिमाग और भी एक्टिव मोड पे रहे और आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उन सभी कामों में जिनको आप करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, आगे भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।